जय श्री कृष्ण आज मैं आपके लिए पोपाबाई की कहानी लेके आई हूँ इसे के सुनने मात्र से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी पोपाबाई की कहानी एक समय की बात है, एक गांव में एक भाई बहन परिवार के साथ रहते थे भाई की शादी हो गई थी लेकिन उसकी बहन अभी कवारी थी बहन का नाम पोपाबाई था पोपाबाई हमेशा पूजा पाठ और व्रत किया करती थी एक दिन उसके भाई भाभी ने उससे शादी की बात करने आया तब उसने शादी के लिए इनकार कर दिया उसने अपनी भाई और भाभी से कहा मेरे रहने के लिए गांव के बाहर एक झोपड़ी बनवा दो मैं वही रहूंगी और अपना जीवन उसी में व्यतीत कर लूंगी फिर गांव के सभी लोगों से कहा हे गांव वालों आप लोग अपने अपने जानवरों को मेरे झोपड़े के पास घास चढ़ने के लिए छोड़ दिया करो मैं सभी के जानवरों की देखभाल किया करूंगी जो भी आपके घर पर बचा खुचा खाना हो वह भेज देना वही मैं खा लूंगी ऐसे ही समय बिता गया एक दिन उस राज्य का राजा वहां पर शिकार खेलने जंगल को जा रहा था कि उसकी नजर गांव के बाहर बने पोपाबाई के झोपड़े पर पड़ी राजा वहां पर झोपड़े के पास जाकर आवाज लगाने लगाने लगा यहां कौन रहता है जब कोई भी उत्तर नहीं मिला तो झोपड़े के दरवाजे को खटखटाने लगा खटखटाने की आवाज सुनकर पोपाबाई ने अंदर से ही पूछा बाहर कौन है बार-बार दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो क्या काम है तब राजा ने कहा कि मैं इस राज्य का राजा हूँ मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ पोपाबाई ने, ने, पोपा पोपा ने राजा को श्राप दिया हे राजा तेरा राजपाट सब नष्ट हो जाएगा महल में पहुंचकर राजा ने अपनी रानियों से सारी बात बताई पूरी बात सुनकर सभी रानियों ने राजा से निवेदन किया कि आप पोपाबाई को सही सलामत उसकी झोपड़ी में छोड़ाओ रानियों के कहे अनुसार राजा पोपाबाई को उसकी झोपड़ी पर छोड़ने चल पड़ा रास्ते में पाप की नदी आई जिसमें राजा डूब गया पोपाबाई मृत्यु के बाद धर्मराज के दरबार में पहुंची वहां धर्मराज ने उसे स्वर्ग का राज्य दिया किसी गांव के एक सेठ सेठानी की मृत्यु हुई वह दोनों मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक को आए लेकिन स्वर्ग का दरवाजा बंद पड़ा था उन दोनों ने धर्मराज से स्वर्ग का दरवाजा खोलने की विनती की तब धर्मराज ने कहा कि इस पर पोपाबाई का राज्य है सेठ सेठानी ने कहा कि हम पापाबाई को नहीं जानते तब धर्मराज ने उन दोनों को कहा कि मैं तुम दोनों को सेवन दिन के लिए मृत्यु लोक में भेजता हूँ वहां जाकर आठ खोपरे में राय भरकर पांच कपड़ा ऊपर रखकर कहानी सुना और उद्यापन करना और इस प्रकार कहना राज है पापाबाई का लेखा लगी राय राय का बोलो पोपाबाई की जय कहानी का समापन हुआ